सर क्या कहेंगे आज? हमने अभी आयुक्त साहब को निवेदन दिए, हमारा मुद्दा है कि CBSE पैटर्न स्कूल जो है महानगर पालिका के स्कूल है, इसके पहले हम तो हमारे बचपन से देखते आ रहे कि महानगर पालिका की स्कूल महानगर पालिका ही चलाती है। जब ये महानगर पालिका की स्कूल अभी हमारी बच्ची 2 साल से पढ़ रही है, 2 साल से पढ़ने के बाद इसके पहले कभी उसको फीस की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही लिखा था महानगर पालिका की से नो डोनेशन नो फीस। तो नो डोनेशन नो फीस रहने के बाद आप फिर ये फीस का चार्जेस कैसे लगा रहे? इसके पहले जो आयुक्त साहब थे उन्होंने तो कुछ ऐसी बताया नहीं। अब आप आ गए आपने 1000 रुपये की, आपके बाद दूसरा आएगा वो डायरेक्ट 10000 रुपये कर देगा। तो हम जैसे गरीब लोग जो एक बर्तन काम करने वाले, मैं रिक्शा चलाने वाला, कोई कपड़े धोने वाले, जो काम करने वाले मजदूर लोग है, वो लोग ये इनसे फीस भरेंगे कहाँ से? 1000 रुपये महीने से बोल के 1000 रुपये अभी तो छोटी कीमत लगती, पर साल की 12000 रुपये कीमत, इतनी कीमत कौन मोजेगा? उसके बाद में उनके स्कूल के किताबें समझो 3000 की आ जाती, उसमें तो आधी किताब वैसे ही खाली पड़ी, उसके अंदर वो कार्ड दे देते, उसके अंदर वो पैसे अलग चल जाते। तो इतना खर्चा हम करने के बाद भी और ऊपर से बोलते कि 1000 रुपये और भरो, तो अभी इसके अंदर हम लोगों ने गरीब लोगों ने करना केस, उसके लिए हमने सर को निवेदन दिए। सर अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, चुनाव के अंदर भी जो जनता के लिए बहुत बातें की गई थी, 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में जो नेता जो भी पार्टी के अलग अलग पार्टी के उनको आह्वान करेंगे कि आज जनता रोड पे आह्वान करेंगे? मेरा बोलना इतना है, ये नेता लोग जितने भी अपने सिटी के अंदर के हो, जितने भी नेता लोग है, कोई किसी का कुछ ये नहीं रहता सर, क्योंकि सब जिसका उसका देखते हैं, कोई किसी के आगे, गरीबों के आगे, गरीबों के आगे भरोसा नहीं, नहीं गरीबों के आगे कोई नहीं आता सर, गरीबों के लिए कोई नहीं आता। आपका अपना नाम? मेरा नाम मनोज जिनवाल, रहने को कोकड़पुरा छत्रपति। सर क्या कहेंगे आज? आज हम महानगर पालिका के आयुक्त साहब से मुलाकात किए, उनको निवेदन दिए, क्योंकि उन्होंने जो है तो अचानक से हमारे पेरेंट्स लोगों के ऊपर बोझा डाल दिया कि हर महीने को 1000 रुपये फीस भरना पड़ेगी कर। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपने इतना धूम धड़ाका किया था स्मार्ट सिटी का कि भाई हम जो है तो CBSE पैटर्न स्कूल खोल रहे करके, और जो है तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे, हमारे सिटी का नाम होगा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा जब 2021 में ये किया गया था इसकी, तो अभी आज 2024 में अचानक से कमिश्नर साहब जो है तो आयुक्त महानगर पालिका के, वो कहते हैं कि तुम्हारे को हर महीना जो है तो 1000 रुपये दिया जाएगा, तो ऐसा पर स्टूडेंट को 12000 रुपये ईयरली भरना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कमिश्नर साहब से, जब पता था कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल है, तो आप लोगों ने जो है तो 1000 रुपये किससे, हमारे को तो विश्वास में किसी को लिया ही नहीं उन्होंने, और हमारे को जो है तो बोले कि आपको पैसे भरना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो है तो गरीब लोग है, और इसके अंदर हम इतने कैपेबल लोग नहीं है जो पैसे भर सकते। मुझे लगा कि स्टूडेंट जो है तो स्कूल में पढ़ने के बाद IIT इंजीनियर मेडिकल करेंगे, पर यहाँ पे तो सारी नाउम्मीद ही मिल रही है साहब के पास आने के बाद में। साहब डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आपको अगर पढ़ाना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। मेरे को ये कहना है कि अगर साहब सब कुछ महानगर पालिका आयुक्त के हाथ में है, साहब से निवेदन दिया था हमने और रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हो सके तो इसको जो है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए रिटर्न, और अच्छे से अच्छा एजुकेशन दीजिए बच्चों को, इंग्लिश टीचर लगाइए, सुविधा दीजिए हमारे को, हमारे सिटी का नाम होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है, और हमारे को जो है तो सीधे से बाहर कर दिया गया। इसके बाद अगर क्या है, क्या निर्णय लिया आपके जो पालक लोग है, पेरेंट्स ने? हाँ, अभी पालक लोग जो है तो अभी बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक स्कूल के ही आए, हम उस्मानपुरा स्कूल के जो है तो स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है इसके अंदर, अभी और भी ऐसी 4 ब्रांच है, तो हम सबको जो है तो एक उसमें करेंगे, एक जगह होंगे, और हम मिलकर जो है तो निर्णय लेंगे कि क्या करना है करके। आपका नाम? मेरा नाम आसिफ खान है। आज आपने निवेदन दिया है, आपकी मांगें क्या थी और साहब से आपकी क्या बातचीत हुई? जिस तरह हम निवेदन के लिए कोशिश किए, तो सबसे पहले टाइमिंग जो है तो 1:30 बजे से हमारे को वेट करना पड़ा, तो 3:30 बजे हमें बुलाया गया। बुलाते पूछा गया है कि भाई आप किस लिए आए? हमने कहा कि ये इंग्लिश मीडियम से हमारे बच्चे महानगर पालिका के पांडे साहब ने शुरुआत की थी, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर जो है तो ये बच्चे गए हुए हैं, इनकी अचानक आपने जो है तो फीस 1000 रुपये रख दी। तो कहा आपने जो है तो गलत सुना, हमने 2000 रखी। बोले हम जो है तो ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल को हम नहीं चला सकते, आप जो है तो मराठी और उर्दू जो है तो मीडियम के स्कूल के बारे में कहो, तो मैं जितना चाहे उतना जो है तो कॉपरेट कर सकता हूँ।
लेकिन मैं कहा हूँ सर ये जो आए हैं सर तो ये डिसीजन कैसा ले रहे आप। तो कहा कि देखिए आपको अपने बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम से अच्छे पढ़ाना है क्या तो आपको फीस देनी होगी। हमने ये कहा कि भाई हम फीस नहीं दे सकते क्योंकि हम गरीब है। और इससे पहले जो कमिश्नर पांडे साहब आए थे उन्होंने कहा था कि अपने छत्रपति संभाजी औरंगाबाद के अंदर जो है तो गरीब से गरीब बच्चा जो है तो महानगर पालिका के इंग्लिश स्कूल में सीखे। लेकिन रहा सवाल ये उन्होंने कहा कि कुछ कमिश्नर आया डिसीजन अच्छे लिए लेकिन इतनी पोजीशन महानगर पालिका की नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जो है तो ये कर सकते। लेकिन हमने कहा कि सर आप ऐसा मत कीजिए कि जो अभी हम आते ही कहा कि आप 1000 का आपने बोल भेजा कि 1000 रुपये बच्चे को फीस रखो लेकिन अब कह रहे हैं कि 2000 भरेंगे आप अच्छे से अच्छे। अब तो हमने कहा कि साहब 2000 तो यानी कुछ ऐसे ही स्कूल है औरंगाबाद में कि साल को 2000 इंग्लिश मीडियम से लेते हैं। आर्मी यानी जो लश्कर कॉन्ट्रैक्ट एरिया होता है वहाँ पर गरीबों के बच्चों को जो है तो 30% फ्री लिया जाता है उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। लेकिन कमिश्नर साहब मूड में तैयार नहीं थे उन्होंने खुला कह दिया कि हम जो है तो सरकारें अभी नहीं कर सकते आप जो है तो जा सकते हैं क्या। अगर आपको इंग्लिश बच्चों को मीडियम नहीं पढ़ाना है तो आप एक काम करो कि मराठी के जो है तो पढ़ाओ या उर्दू पढ़ाओ उसके लिए मैं जो है तो जो आपको सहकार्य कर सकता हूँ। लेकिन ये इंग्लिश मीडियम का जो पाया रखा गया महानगर पालिका की ओर से तो कहा कि मुझे ये खर्च जो है तो बोझ उठाया नहीं जा सकता क्योंकि महानगर पालिका की इतनी अच्छी हालत नहीं है। मैंने तो कहा उनसे कि सर कौन कहता है कि औरंगाबाद या छत्रपति संभाजी नगर की महानगर पालिका जो है तो गरीब है। गरीब नहीं बहुत अमीर है बहुत कुछ पैसा है सब कुछ है। तो उन्होंने थोड़ा फेर कर दिया। एक लड़की से पूछा उन्होंने कि आपके घर में कब पानी आता है। लड़की ने बतलाया कि 7 दिन को पानी आता है। तो उन्होंने दूसरी तरफ ले जाना चाहते थे। कहा कि मेरे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि संभाजी नगर के अंदर 7 दिन को जो है तो पानी आ रहा है। बात पलटी मारने में कमिश्नर साहब बहुत एक्सेप हैं और उनको ज़्यादा लगाव जो है तो मराठी और उर्दू मीडियम वालों से है। और उनके इससे पहले जो कमिश्नर आकर गए उन्होंने इसलिए इंग्लिश स्कूल खोली थी कि यहाँ पर महानगर पालिका के स्कूल जो है तो बंद हो रहे थे। अच्छा से अच्छा दर्जा मिले अच्छे से अच्छा स्टूडेंट मिले अच्छे से अच्छा सिखाया जाए और छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद का नाम जो है तो महाराष्ट्र में अच्छा ऊँचा हो और यहाँ की महानगर पालिका भरारी ले ये उनके उद्देश्य थे। अब ये कमिश्नर साहब तो खुला कहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो फिर भाई ये बतलाइए कि अब ये बच्चों को कहाँ लेके जाना। तो कहा कि आपको जिस जहाँ पर एडमिशन मिलता है उन बच्चों को लेके जाओ मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अब अगला प्रोसीजर जो है तो सब पालक मिलकर हम जो है तो क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं इसके बारे में सोचना है। आज हमने उनको निवेदन दिया है और फिर भी उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि सर आप जब बोझ नहीं उठा सकते तो कहा कि अरे 1000 रुपये कोई बड़ी बात है क्या। तो हमने कहा सर एक टुकड़ी के अंदर 25 बच्चे होते हैं 125 बच्चे एक स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं तो 1,25,000 महीने का जो है तो पेमेंट जमा हो रहा है। हाँ आप टीचर अच्छे से अच्छे टीचर रखेंगे भी तो यानी पैसा भी हमारा और टीचर भी हमारा फिर तो आप महानगर पालिका का इसमें क्या हिस्सा है। तो कहा कि मेरी खोली है लाइट बिल है पंखे है। मैं कहा सर ये तो सुविधा देने का आपने प्रवचन दिया था और आपने जो आपके आने वालों ने जो है उसकी ईंट रखी है हाँ आपको तो ये चलना ही पड़ेगा लेकर। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई आपको अपने बच्चे जो है तो इंग्लिश पढ़ाना है तो अच्छे से अच्छा टीचर और अच्छे से अच्छा शिक्षण दो क्योंकि फ्यूचर के अंदर बच्चों की ज़िंदगी सुधारना है। लेकिन हमने कहा सर हमारे घर भाड़े के हैं हमारी मजदूरी जो है तो कोई रिक्शा चला रहा तो कोई बर्तन धो रहा तो कोई मौज बेच रहा। इसी हालत के अंदर हमने खुशी के मारे एडमिशन किया था उस स्कूल के अंदर वो कमिश्नर के साहब के कहने के ऊपर। 3 साल के बाद जब नगर पालिका को जागा रही है जब अपने नए कमिश्नर श्रीकांत साहब आ गए तो इनको क्या लगा कि इस के ऊपर बहुत खर्चा हो रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर खर्चा कुछ भी नहीं हो रहा कुछ भी नहीं है। आज के पीरियड में डेली वेजेस के ऊपर भी जो है तो कॉन्ट्रैक्टशिप के ऊपर भी जो है तो अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम के टीचर मिल सकते हैं अच्छे से अच्छे टीचर कॉन्ट्रैक्टशिप के ऊपर मिल रहे हैं।
अच्छे से अच्छे जो है तो डॉक्टर भी मिल रहा है, आजकल कॉन्ट्रैक्ट शिप कहाँ नहीं चल रही, सब जगह चल रही है। तो मैं हमारा यही उद्देश्य है कि कमिश्नर साहब ने जो है तो फिर से जो है तो इसका ख्याल करना चाहिए और हमने जो निवेदन दिया उसके ऊपर जो है तो डिसीजन लेना चाहिए। अगर वो डिसीजन लेते हैं तो हमारी खुशनसीबी होंगी, वरना हमारे बच्चों के लिए हमारी जो आने वाली कल की परेशानी है तो ये बहुत होने वाली है, क्योंकि बच्चों के ट्यूशन के लिए पैसा जाता है, रिक्शे के लिए पैसा जाता है, पढ़ाई के लिए, ड्रेस के लिए, किताबों के लिए जो है तो बच्चों का जो है तो खर्चा होता है। तो इतना हम एक बच्चे के ऊपर खर्चा कर देंगे, कमाने वाला घर में एक रहता है और पाँच बच्चे जो है तो सीखने वाले रहते हैं, तो ऐसे दस दस और बीस बीस हज़ार रुपया हम खर्चा करने की हमारी ताकत नहीं है। इसीलिए हम जो है तो निवेदन देकर आ रहे हैं उनसे, इसमें लेडीज़ भी आई थी, जवान भी आए थे, बूढ़े भी आए थे, सब सिस्टम अंडर था सभी का। क्या कहेंगे, आज आपने निवेदन दिया है, आपकी मांगें क्या थी और साहब से आपकी क्या बातचीत हुई? जिस तरह हम निवेदन के लिए कोशिश किए तो सबसे पहले टाइमिंग जो है तो 1:30 बजे से हमारे को वेट करना पड़ा, तो 3:30 बजे हमें बुलाया गया। बुलाते पूछा गया है कि भाई आप किस लिए आए, हमने कहा कि ये वो इंग्लिश मीडियम से हमारे बच्चे महानगर पालिका के पांडे साहब ने शुरुआत की थी और फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर जो है तो ये बच्चे गए हुए हैं, इनकी अचानक आपने जो है तो फीस 1,000 रुपये रख दी। तो कहा आपने जो है तो गलत सुना, हमने 2,000 रखी। बोले हम जो है तो ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल को हम नहीं चला सकते, आप जो है तो मराठी और उर्दू जो है तो मीडियम के स्कूल के बारे में कहो तो मैं जितना चाहे उतना जो है तो कॉपरेट कर सकता हूँ। लेकिन मैं कहा हूँ सर ये जो आए हुए हैं सर तो ये डिसीज़न कैसा ले रहे हैं आप? तो कहा कि देखिए आपको अपने बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम से अच्छे पढ़ाना है तो क्या तो आपको फ़ीस देनी होगी। हमने ये कहा कि भाई हम फीस नहीं दे सकते क्योंकि हम गरीब है, और इससे पहले जो कमिश्नर पांडे साहब आए थे उन्होंने कहा था कि अपने छत्रपति संभाजी औरंगाबाद के अंदर जो है तो गरीब से गरीब बच्चा जो है तो महानगर पालिका के इंग्लिश स्कूल में सीखे। लेकिन रहा सवाल ये, उन्होंने कहा कि कुछ कमिश्नर आया डिसीजन अच्छे लिए लेकिन इतनी पोजीशन महानगर पालिका की नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जो है तो ये कर सकते। लेकिन हमने कहा कि सर आप ऐसा मत कीजिए कि जो आप भी हम आते ही कहा कि आप 1,000 का आपने बोल भेजा कि 1,000 रुपये बच्चे को फीस रखो, लेकिन अब कह रहे हैं कि 2,000 भरेंगे आप अच्छे से अच्छे। तो हमने कहा कि साहब 2,000 तो यानी कुछ ऐसे ही स्कूल है औरंगाबाद में कि साल को 2,000 इंग्लिश मीडियम से लेते हैं, आर्मी यानी जो लश्कर कॉन्ट्रैक्ट एरिया होता है वहाँ पर गरीबों के बच्चों को जो है तो 30% फ्री लिया जाता है, उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। लेकिन कमिश्नर साहब मूड में तैयार नहीं थे, उन्होंने खुला कह दिया कि हम जो है तो सरकारें अभी नहीं कर सकते, आप जो है तो जा सकते हैं क्या, अगर आपको इंग्लिश बच्चों को मीडियम नहीं पढ़ाना है तो आप एक काम करो कि मराठी के जो है तो पढ़ाओ या उर्दू पढ़ाओ, उसके लिए मैं जो है तो आपको सहकार्य कर सकता हूँ। लेकिन ये इंग्लिश मीडियम का जो पाया रखा गया महानगर पालिका की ओर से तो कहा कि मुझे ये खर्च जो है तो बोझ उठाया नहीं जा सकता क्योंकि महानगर पालिका की इतनी अच्छी हालत नहीं है। मैंने तो कहा उनसे कि सर कौन कहता है कि औरंगाबाद या छत्रपति संभाजी नगर की महानगर पालिका जो है तो गरीब है, गरीब नहीं बहुत अमीर है, बहुत कुछ पैसा है, सब कुछ है। तो उन्होंने थोड़ा फेर कर दिया, एक लड़की से पूछा उन्होंने कि आपके घर में कब पानी आता है, लड़की ने बतलाया कि 7 दिन को पानी आता है, तो उन्होंने दूसरी तरफ ले जाना चाहते थे। कहा कि मेरे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि संभाजी नगर के अंदर 7 दिन को जो है तो पानी आ रहा है। बात पलटी मारने में कमिश्नर साहब बहुत एक्सेप हैं और उनको ज़्यादा लगाव जो है तो मराठी और उर्दू मीडियम वालों से है, और उनके इससे पहले जो कमिश्नर आकर गए उन्होंने इसलिए इंग्लिश स्कूल खोली थी कि यहाँ पर महानगर पालिका के स्कूल जो है तो बंद हो रहे थे, अच्छे से अच्छा दर्जा मिले, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट मिले, अच्छे से अच्छा सिखाया जाए और छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद का नाम जो है तो महाराष्ट्र में अच्छा ऊँचा हो और यहाँ की महानगर पालिका भरारी ले, ये उनके उद्देश्य थे। अब ये कमिश्नर साहब तो खुला कहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, तो फिर भाई ये बतलाइए कि अब ये बच्चों को कहाँ लेके जाना। तो कहा कि आपको जिस
जहाँ पर एडमिशन मिलता है उन बच्चों को लेके जाओ, मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो अब अगला प्रोसीजर जो है तो सब पालक मिलकर हम जो है तो क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं इसके बारे में सोचना है। आज हमने उनको निवेदन दिया है और फिर भी उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि सर आप जब बोझ नहीं उठा सकते तो कहा कि अरे 1000 रुपये कोई बड़ी बात है क्या? तो हमने कहा सर एक टुकड़ी के अंदर 25 बच्चे होते हैं, 125 बच्चे एक स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो 1,25,000 महीने का जो है तो पेमेंट जमा हो रहा है। हाँ आप टीचर अच्छे से अच्छे टीचर रखेंगे भी तो यानी पैसा भी हमारा और टीचर भी हमारा, फिर तो आप महानगर पालिका का इसमें क्या हिस्सा है? तो कहा कि मेरी खोली है, लाइट बिल है, पंखे हैं। मैं कहा सर ये तो सुविधा देने का आपने प्रवचन दिया था और आपने जो है आपके आने वालों ने जो है उसकी ईंट रखी है, हाँ आपको तो ये चलना ही पड़ेगा लेकर। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई आपको अपने बच्चे जो है तो इंग्लिश पढ़ाना है तो अच्छे से अच्छा टीचर और अच्छे से अच्छा शिक्षण ले, क्योंकि फ्यूचर के अंदर बच्चों की ज़िंदगी सुधारना है। लेकिन हमने कहा सर हमारे घर भाड़े के हैं, हमारी मजदूरी जो है तो कोई रिक्शा चला रहा, तो कोई बर्तन धो रहा, तो कोई मौज बेच रहा। इसी हालत के अंदर हमने खुशी के मारे एडमिशन किया था उस स्कूल के अंदर वो कमिश्नर के साहब के कहने के ऊपर। 3 साल के बाद जब नगर पालिका को जाग आ रही है, जब अपने नए कमिश्नर श्रीकांत साहब आ गए तो इनको क्या लगा कि इस के ऊपर बहुत खर्चा हो रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर खर्चा कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है। आज के पीरियड में डेली वेजेस के ऊपर भी जो है तो कॉन्ट्रैक्टशिप के ऊपर भी जो है तो अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम के टीचर मिल सकते हैं, अच्छे से अच्छे टीचर कॉन्ट्रैक्टशिप के ऊपर मिल रहे हैं, अच्छे से अच्छे जो है तो डॉक्टर भी मिल रहे हैं। आज कल कॉन्ट्रैक्टशिप कहाँ नहीं चल रही, सब जगह चल रही है। तो मैं हमारा यही उद्देश्य है कि कमिश्नर साहब ने जो है तो फिर से जो है तो इसका ख्याल करना चाहिए और हमने जो निवेदन दिया उसके ऊपर जो है तो डिसीजन लेना चाहिए। अगर वो डिसीजन लेते हैं तो ये हमारी खुशनसीबी होंगी, वरना हमारे बच्चों के लिए हमारी जो आने वाली कल की परेशानी है तो ये बहुत होने वाली है। क्योंकि बच्चों के ट्यूशन के लिए पैसा जाता है, रिक्शे के लिए पैसा जाता है, पढ़ाई के लिए, ड्रेस के लिए, किताबों के लिए जो है तो बच्चों का जो है तो खर्चा होता है। तो इतना हम एक बच्चे के ऊपर खर्चा कर देंगे, कमाने वाला घर में एक रहता है और 5 बच्चे जो है तो सीखने वाले रहते हैं, तो ऐसे 10-10 और 20-20 हज़ार रुपया हम खर्चा करने की हमारी ताकत नहीं है। इसीलिए हम जो है तो निवेदन देकर आ रहे हैं उनसे। इसमें लेडीज़ भी आई थी, जवान भी आए थे, बूढ़े भी आए थे, सब सिस्टम अंडर था। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।